प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक और लव रीडिंग समझिए या टोटली सारी तरह की एनर्जी की रीडिंग समझिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं कार्ड को मिक्स करूँगी और मैं इस रीडिंग में ये देखने वाली हूँ कि जो 2023 है उसमें क्या आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ की हैं, आपके कैरियर की हैं, जॉब की हैं या कुछ भी हैं। तो मैं यहाँ पर अलग अलग तरह की रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए एनर्जी देखती हूँ कि क्या 2023 में आपके लव लाइफ में अगर आपकी कोई विशेष है तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की विश आपकी पूरी हो रही है या नहीं, है स्पिरिट गाइड एंजल्स भोलेनाथ गाइडेंस दीजिए, बताइए क्या लव लाइफ की विश पूरी हो रही है। क्या लव लाइफ की विश पूरी हो रही है, क्या लव लाइफ की विश पूरी हो रही है, क्या लव लाइफ में आपकी विशेष पूरी हो रही है, क्या लव लाइफ में आपकी विशेष पूरी हो रही है। तो देखिए ये पूरा साल लव लाइफ के मामले में मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि प्यार बिल्कुल है ही नहीं, पर थोड़ा तो बोझ बनते हुए चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। प्यार तो है, देखिए यहाँ लव की एनर्जी बॉटम में अगर मैं देखूँ तो ये कार्ड आया, तो एक प्यार भी दिख रहा है लेकिन बर्डन भी दिख रहा है। इस रिश्ते को खींचना थोड़ा सा मुश्किल लगने लग गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, मुश्किलें हो रही हैं। और हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप हो, आप दोनों में धर्म अलग हो, आप दोनों में कुछ सिचुएशन ऐसी हो, आप दोनों में से एक मैरिड है एक सिंगल है, या दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हैं तो आप एक साथ नहीं चल पा रहे, ये चलाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप दोनों में प्यार है क्योंकि डिवाइन ने आपको कनेक्ट किया है। और प्यार कभी ये सब नहीं दिखता, प्यार तो आत्मा से होता है, कनेक्शन एक बहुत बड़ा कार्ड है तो दिखाता है प्यार है, आप दोनों के बीच में स्ट्रेंथ है, मजबूती है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता बर्डन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साल भर में बहुत सी बातों में आप अकेले लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। लव लाइफ में आपको लगेगा कि शायद आप ही एफर्ट्स कर रहे हो पूरे टाइम में, है ना, आपका जो पार्टनर है वो इतनी एनर्जी नहीं दे रहा है इस रिलेशनशिप में, तो प्रॉब्लम्स होगी आपको। उसके अलावा हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर कोई तो है, जैसा मैंने कहा कि कोई किस्में से मैरिड है, तो वो अपनी फैमिली को लेकर चलना चाहेगा, और आप भी अगर अपने पारिवारिक जीवन को चलाते हुए अगर आप सिंगल भी हैं तो हो सकता है कि आप प्योरिटी दें अपनी फैमिली को और उसके बाद प्यार को। तो प्यार के मामले में यहाँ पर विश क्या, आपने तो बहुत सारी विश शायद सोची होंगी, लेकिन सिचुएशन तो ऐसी दिखाई दे रही है कि आप या आपके पार्टनर दोनों ही थोड़ा कहीं किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, बाहर निकलते दिखाई दे रहे हो, या अगर हो भी रिश्ते में तो किसी तरह कहते हैं ना नैया को पार लगा लेना, वैसे चलाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। देखो इमोशन है, प्यार है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बढ़ रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि जैसा मैंने कहा ना कि कोई आप कोई दो रिलेशन को लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे मैंने कहा ना अभी एनर्जी ही मुझे सबसे पहले दिखाई दी कि आप में से कोई सिंगल है, कोई मैरिड है, या दोनों मैरिड हैं, या आप सिंगल हैं भी तो आप फैमिली या अपने लव को लेकर चल रहे हैं, तो दो चीज़ों को बैलेंसिंग करने की एनर्जी मुझे पूरे साल में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो देखिए एक आदमी है जो तौल कर दोनों तरफ सर्व कर रहा है, तो ऐसे ही शायद आपके पूरे ईयर में इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। और आप इतना सब के बाद भी अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं, लगता है कि जैसे कोई धन को सजो के नहीं रखा जाता है, दबा के रख लो किसी को भी ना दो, तो आप पजेसिव हैं अपने पर्सन के लिए, ठीक है, आप उन्हें खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, आप उनके लिए अकेले लड़ने को तैयार हैं, बहुत सारी सिचुएशन को डील करने को तैयार हैं, पर ये थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। पर ये मैं कहूँगी कि पूरे साल में ये प्यार की एनर्जी तो आई है और इस तरह की सिचुएशन है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि आपकी कितनी विश पूरी होगी कितनी नहीं होगी। चलिए मैं देखूंगी कैरियर के मामले में, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका 2023 में कैरियर में कोई विश पूरी हो रही है या नहीं, 2023 में कैरियर में कोई विश पूरी हो रही है या नहीं, कैरियर में कोई विश पूरी होने वाली है 2023 में या नहीं, कैरियर में 2023 में कुछ विश पूरी होने वाली है नहीं, कैरियर में 2023 में विश पूरी होने वाली है नहीं। तो देखिए कैरियर के मामले में भी मुझे यहाँ पर आपका कोई काम हो रहा होगा और वहाँ पर थर्ड पार्टी कूद के जंप करके आके मौका ले सकती है, आपका नुकसान करा सकती है, तो यहाँ पर देखिए एक साफ साफ बहुत बड़ी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, तो कोई है जो आपको धोखा दे सकता है, तो काम के मामले में आपको संभल कर चलना होगा, नहीं तो 2023 में संभाल कर चलिए, धोखा मिल सकता है, कोई इस तरह का दर्द आपको दे सकता है कि किसी ने वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, पैसे का मामला है, काम का मामला है, बिजनेस का मामला है, जॉब ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा, बाद में अचानक से वो गायब हो गया, या आपका पैसा खा लिया, या कुछ भी हो गया, तो इस तरह की चीज़ों से सावधान रहना है क्योंकि कोई आपको अपनी बातों में पढ़ा सकता है। ये देखिए थर्ड पार्टी बहला फुसला कर
कुछ आपका नुकसान हो सकता है, तो आप यहाँ पर इमोशनली कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि दो तरह का काम हो जिसमें आप कंफ्यूज हो कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, ये वाली जॉब करूँ कि वो वाली जॉब करूँ, बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, क्या मैं दो चीज़ों को लेकर चल सकता हूँ, ऐसा मन में आएगा। लेकिन साल के मिड में मुझे दिखाई देता है कि डिवाइन की तरफ से आपकी कोई तो बड़ी विश पूरी होगी कैरियर और काम के मामले में, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप आया है, तो डिवाइन की तरफ से कोई सरप्राइज आपको मिलेगा और फिर आपके जीवन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। मिड जो है ईयर में मुझे दिखाई दे रहा है, उसके बाद मतलब आगे का जो एनर्जी है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। आप दो चीज़ों को बैलेंस करते दिखाई दे रहे हैं, जो पहले आप यहाँ पर कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे थे शुरुआती साल में, आगे चल के आप दोनों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा जाएगा। पर जैसा कि मैंने कहा कि ये थर्ड पार्टी से आपको साल के स्टार्टिंग में सावधान रहना है, धोखा हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए सावधान होकर चलिए। तो ये आपके कैरियर के मामले में विश। आप इसे जो लोग वीडियो देख रहे हैं और अगर वो चाहते हैं कि 2023 में कोई अच्छी जॉब का मामला आपका हो जाए, तो क्या आपकी विश पूरी होगी जॉब के मैटर में, आपकी विश पूरी होगी? हाँ जी, बिल्कुल पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा ना कि साल के मिड में दिखाई दे रहा है, तो कुछ अच्छा होगा, एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आप रिस्क लेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और आप कहेंगे चलो कोई भी छोटी सी नाव है लेकर समुंदर में कूद जाता हूँ, तो रिस्क लेंगे, एक अच्छा काम करेंगे और हैप्पीनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, खुशियों की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जब जॉब मिलेगी आपकी विश, यहाँ पर देखिए इतनी सारी विशेष पूरी होंगी, तो फिर आपको खुशी तो मिलेगी। अब मैं देखूंगी जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्या आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी सरकारी जॉब पॉसिबल होगी 2023 में, क्या सरकारी जॉब पॉसिबल होगी 2023 में, क्या सरकारी जॉब पॉसिबल होगी 2023 में? तो देखिए यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि आप सरकारी जॉब में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप शायद अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, या कुछ और है, ठीक है, सेल्फ दया कर रहे हैं अपने आप पे, अरे ये मुझसे तो कैसे हो पाएगा, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप हैंगमैन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत जकड़े हुए हैं, उल्टे लटके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप जिस कैरियर में जाना चाहते हो वहाँ ना जा रहे हो, घर वाले जो प्रेशर दे रहे हैं आपको ये कर लो वो कर लो वो कर लो, चार लोगों के कहने पर आप उसमें जुट गए हो, तो ऐसा मत कीजिए, अपने मन का जवाब करेंगे तभी ग्रोथ कर पाएंगे। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ईगो ये सब लेकर बैठे हुए हैं, तो देखिए सरकारी जॉब के मामले में थोड़ी सी शंका है, 20% एनर्जी ठीक है और तो मुझे सही नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं देखूंगी जो लोग बिजनेस में हैं उनकी कोई विश पूरी हो रही है, जो लोग बिजनेस में हैं उनकी कोई विश पूरी हो रही है। देखिए आप जो लोग बिजनेस में हैं उनकी विश तो पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर चीटिंग का कार्ड फिर से आया है, आपको धोखा मिल सकता है, कोई कुछ छुपा रहा है, धोखा दे सकता है, इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत होगी, एकदम प्रैक्टिकल होकर चलिए आप आगे बढ़िए, तब आपके देखिए ये रॉड्स जो हैं उड़ते हुए मंजिल की तरफ आ रहे हैं, और इसमें छोटे छोटे कोपले लगे हुई हैं, देखिए पत्ते लगे हैं, यानी ग्रोथ करने वाली कोई अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई आ सकती है, तो कोई विश तो यहाँ पूरी हो रही है आपकी, लेकिन फिर भी चीटिंग से आपको संभल कर चलना होगा। तो चलिए ये तो रीडिंग थी, छोटी छोटी रीडिंग में मैंने आपको काफ़ी गाइडेंस दी, जानकारियाँ दी। आप अपनी पर्सनल रीडिंग अगर करवाना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, शादी के लिए कुंडली मिलाना चाहते हैं, लव रीडिंग कराना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, कैरियर रीडिंग कराना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511, व्हाट्सअप कीजिए, उसे मैं ज़्यादा पहले देखती हूँ कॉल के बजाय। तो देखिए चलिए अब आप एक अपने मन में कोई सवाल ले लीजिए, अगर आपकी कोई विश है तो मैं यहाँ पर यस और नो का सवाल निकालूंगी, इस पर गाइड लीजिए। तो देखिए होगा यहाँ पर नो आया है, थोड़ा कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, लोग आपको प्रभावित कर रहे हैं, चीटिंग हो रही है आपके साथ, तो यहाँ नो का ही कार्ड आया है। तो ये तो थी आपकी एनर्जी रीडिंग, ऐसी छोटी छोटी गाइडेंस डालती रहूंगी और वार्षिक राशिफल आप लोगों का डाल रही हूं, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं 2023 के लिए आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।